दोस्तों, फिर से एक मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको ग्राइंडर मशीन का रिपेयर कैसे करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मशीन को पहले चला के देखेंगे। इस मशीन को हम लोग कल चलाए थे तो धुआं निकल रहा था, चल तो रहा है मगर धुआं निकल रहा है। आवाज कैसे कर रहा है आपको, ये धुआं निकल रहा है मशीन से, इधर से भी ये देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। तो इसको हम लोग रिपेयर करके दिखाएंगे। चलिए इसको खोल लेते हैं पहले। सबसे पहले इसको खोल लेंगे। ये हमारा कार्बन लगा हुआ है। दोनों साइड लगा होता है कार्बन। सबसे पहले इस कार्बन को निकाल लेंगे। कार्बन घिस चुका है। उसके बाद हम लोगों का ये चारों स्क्रू को खोल लेना। कार्बन को खोलने के बाद कुछ इस प्रकार इसको खोल लेना है। हमारा आर्मेचर है। आर्मेचर तो ठीक लग रहा है। ये हमारा फील्ड जल चुका है, ये देख सकते हैं। तो हमको फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये अपना फील्ड जल चुका है। इसको हम लोग चेंज करेंगे। चलिए इसको खोल लेते हैं पहले। इसके बाद स्विच का अपना स्विच है, इसमें से इसको निकाल लेना है। और कार्बन का दो तार है, इसको भी निकाल लेंगे दोनों साइड में। गर्म होके जल चुका है तो इधर से हम लोग पेज का सीज कर लेंगे। हमारा फील्ड जल चुका है तो इसको चेंज कर लेंगे। नया फील्ड कुछ इस 530 रुपए का आता है। इसको जहां मशीन मिलता है वहां शॉप से खरीद सकते हैं। इसको 530 रुपए का पड़ा है इस मशीन का। चाहे तो इसका सिंपल ले सकते हो या बॉस का ग्लेंडर बोलने से दे देंगे इसका फील्ड। तो हम लोग नया फील्ड लगा लेते हैं। प्रकार से आता है ये हमारा झल चुका है, ये हमारा नया है। हम लोग इसी को लगा लेंगे पहले। इसमें भी दो तार देखने को मिलेगा, इसमें भी दो तार। ये लंबी वाली तार अपना स्विच में जाता है, ये वाली कार्बन में। इसमें दोनों में वैसी है सेम। इस तरह से कुछ लगा लेंगे। ये वाली जाएगी कार्बन में और ये दोनों स्विच। चलिए इसको फिट करते हैं। इसको
तार को सीधा करके हम लोग लगा लेंगे। तार निकलनी चाहिए हम अपना। उसके बाद इधर इसको इस पर कर लगाएंगे। दोनों तार निकलनी चाहिए इस साइड। इस प्रकार बैठा लेंगे इसको बराबर में, दोनों खांचा में बैठना चाहिए। टीका पुराना वाला और दोनों खांचा को इस प्रकार बराबर अंदर में बैठा लेंगे, ना आगे होगा ना पीछे होगा, तभी बराबर अपना फील्ड बराबर बैठ लेगा। इसी प्रकार हम लोग अंदर सेट कर लेंगे। ये अपना छोटा वाला वायर है, इसको हम लोग इधर कार्बन में ही लगा देंगे कुछ इस प्रकार। दो कार्बन लगता है, इधर का भी छोटा वाला वायर को हम लोग कार्बन में ही लगा लेंगे। हम अपना लंबा वाला वायर है, इसको यहाँ से ले जाकर इसमें लगा लेंगे। अपना स्विच में लगा लेंगे सर का इधर वाला लंबा तार को यहाँ से ले लेंगे। ऑन ऑफ स्विच है, इसी में लगा देंगे वाला तार। अपना आर्मेचर तो ठीक है, कार्बन चाहिए इसके लिए, इसको इस तरह से डाल देंगे और इस अपना स्प्रिंग को डाल देंगे। उसके बाद इसको इसमें डाल देंगे कार्बन को भी। कार्बन को
दोनों कार्बन हम लोग का लग चुका है। चलिए इसको चालू करके देख लेते हैं। चलिए इसको चालू करके देख लेते हैं हमारा मशीन रिपेयर सही से हुआ है कि नहीं। अपना मशीन बन के रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।